उसका सेकंड नंबर है वैसे तो मैंने बोला था, लेकिन जैसे ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी, अपन करते थे ना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर का डिवाइड, इस तरह की हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ी है, हमने अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस एक्स इक्वल टू सी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मान लेते हैं ये क्या है, ये कॉस अल्फा है, बच्चे बात नहीं, तो ये क्या होगा, साइन अल्फा होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। अब साइन एंगल कुछ भी हो, साइन की वैल्यू कहां से कहां तक होती है मैक्सिमम, माइनस वन से वन है ना, तो सी जो इसकी रेंज होगी वही इसकी रेंज होगी, तो सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, माइनस वन से वन, ठीक है। अब अपन इसका मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, अंडर रूट ऑफ, रुक तो जा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी, तो तुम ये देख सकते हो कि सी की वैल्यू, सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी या तो इसके बराबर है या इससे छोटा है, ठीक है, जबकि वो क्या कह रहा है, सी क्या हो, ग्रेटर देन हो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, तो वो कभी होगा नहीं, वो कह रहा है ये ग्रेटर देन हो, ये ग्रेटर देन कभी होगा नहीं, सो इट विल गेट नो सॉल्यूशन, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें हम बेसिकली पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन चैप्टर फर्स्ट चैप्टर शुरू किया है, और इसमें केवल हम पहले तो डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं कि भाई एक्स वन कॉमा वाई वन हो, एक्स टू कॉमा वाई टू हो, ये ए हो ये बी हो, तो ए बी इज अंडर रूट ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर या एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर। और एक हम बात कर रहे थे सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला है, ये फर्स्ट हमने देखा था इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर ए है एक्स वन वाई वन, बी है एक्स टू वाई टू, और कोई पी पॉइंट है जो इस सेगमेंट को एम रेशो एन के लेंथ के रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमने कहा था इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे दिस एंड दिस, ठीक है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। यहाँ तक ये था, ये इंटरनली के लिए था, दूसरा एक्सटर्नली के लिए होता है, एक्सटर्नली का मतलब ये होता है कि ए और बी है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं और ये पॉइंट क्यू है, तो अब क्यू जो है वो इस सेगमेंट को एम रेशियो एन, भाई यहां पर भी वही था, पी की वैल्यू डिस्टेंस जो ए से और बी से थी उनका रेशियो एम रेशियो एन था, यहां पर क्यू जो है, क्यू की डिस्टेंस ए से और बी से जो है उनका रेशियो जो है वो एम रेशियो एन है, लेकिन वो एक्सटर्नली का केस है। तो एक्सटर्नली का केस के लिए लॉजिक जो बताया था, ट्रिक जो बताई हुई है वो याद रखें कि एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, और ये अगर Q कहीं भी ले लें और M रेशो N, और किसी एक को माइनस दे दें, या तो M को दें या N को दें, फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूला यही वाला याद रखना है, क्योंकि गलतियां होती हैं। अपन जैसे माइनस N को दे दिए, तो मल्टीप्लाई करके कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या आएगा, इसी का कोऑर्डिनेट आ रहा है, बस इसी तरह से आता है, इट इज एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन एंड एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, ठीक है। अब इसका यूज़ कई जगह हो जाता है, मीन के केस में हो जाता है, ठीक है, अभी अभी हम बहुत सारे पॉइंट्स देखेंगे उसमें होगा, ठीक है। तो ये हमने देखा था यहाँ तक ही, ठीक है। अब हम, मुझे बोर्ड लगेगा तो किसी को कुछ भी लिखना हो तो पहले लिख लें, ठीक है, जिसका छूटा हुआ है या जिसने नहीं लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है, तुम लोग मत लिखना अभी, पहले समझ लो।
पैरेलोग्राम की डेफिनेशन एक बार में, एक सेंटेंस में पैरेलोग्राम की डेफिनेशन क्या होगी? हाँ इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। अगर कोई भी दो साइड तुम ले लो, अपोजिट साइड एक पेयर ले लो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, उसको इक्वल और पैरेलल कर दो, अब तुम उसके एंड पॉइंट को जब भी जोड़ोगे पैरेललोग्राम ही बनेगा। ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, बस पैरेलल है, इट इज ऑलवेज फॉर्म अ पैरेललोग्राम। समझ में आ रही बात? बस वो इक्वल होना चाहिए, तुम ऐसे कर दो ऐसे कर दो, बनेगा क्या? पैरेललोग्राम ही बनेगा। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक है, क्या प्रॉपर्टी होती है? पहली, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, और क्या होती है? हाँ, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हैं वो तो ठीक है, वो तो जितना भी अपन आगे बढ़ाएंगे सब में होगा, रेक्टेंगल में भी होता है, रोमबस में भी होता है, वो सब जगह है। ठीक है, एंड डायगोनल क्या बोला था? डायगोनल बायसेक्ट, हाँ बायसेक्ट ईच अदर बट नॉट इक्वल, है ना? इक्वल नहीं होती लेकिन बायसेक्ट। अब सुन दे, आप अभी मत बना, नहीं तो अभी तेरे से बनेगा नहीं, फिर आगे अभी सुनता जा। फिर इसकी जो दो प्रॉपर्टी हैं उनको इनहेंस करते हैं। दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं? साइड्स की और एंगल की। ठीक है, अगर मैं साइड्स की प्रॉपर्टी को इनहेंस करूं कि ऑल साइड्स, मतलब वो पैरेललोग्राम जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, एंगल को इनहेंस नहीं किया, और एक ये है ऑल एंगल्स, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो अगर हमने एंगल पे ध्यान नहीं दिया, हमने कहा कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी साइड्स इक्वल हो जाएं, तो वो क्या बनेगा? भाग यहां से, इट इज ओनली रोमबस, स्क्वायर और रोमबस नहीं बनेगा, नहीं बोल सकते। हमने केवल साइड्स की, ध्यान से देखो, हम केवल नहीं, मैथ्स पढ़ रहे हो, ध्यान से देखो, तुम जहां गलत हो उसे एक्सेप्ट करने लगोगे धीरे धीरे, चुपचाप सुनना सीखो पहले, ठीक है, चीजें बदल जाएंगी। केवल ऑल साइड्स आर इक्वल, एनी पैरेललोग्राम विच हैज ऑल साइड्स आर इक्वल इज नॉट अ स्क्वायर, इट इज रोमबस। ठीक है, रीजन मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तुम्हें कभी पता ही नहीं लगता है कि तुम किस तरफ से बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूं एनी पैरेललोग्राम विच हैज ऑल साइड्स आर इक्वल इज अ रोमबस। ठीक है, तुम कहते हो सर स्क्वायर भी है, तो जैसे ही तुम स्क्वायर बोलते हो तुम स्क्वायर की तरफ से पैरेललोग्राम पे जाते हो कि सर स्क्वायर भी तो पैरेललोग्राम है, तो वो तो है, लेकिन क्या वो पैरेललोग्राम जो जिसकी साइड्स इक्वल होंगी वो हमेशा स्क्वायर होगा? नहीं होगा, लेकिन वो हमेशा रोमबस जरूर होगा, क्योंकि हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? केवल साइड्स की बात कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? अब अगर हम वो पैरेललोग्राम लें जिसके सारे एंगल्स इक्वल है, तो वो क्या बनेगा? तो वो रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, यहां पे हमने साइड्स की बात नहीं की। ठीक है, ये है रेक्टेंगल। ठीक है, ये हो गया रोमबस। प्रॉपर्टी बताओ क्या बढ़ गई? पहले पैरेललोग्राम की बात करते हैं, ये तो हो ही गई, साइड्स इक्वल हो गई। हाँ, डायगोनल इक्वल नहीं होते, हाँ ये
ठीक है, डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं अब 90 डिग्री पे, है ना। बाकी सारी प्रॉपर्टी, इसकी तो सारी प्रॉपर्टी मिली थी, हाँ बस और कुछ नहीं। अब इसमें रेक्टेंगल में क्या बढ़ गया, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया और कुछ, हाँ डायगोनल्स आर इक्वल बट नॉट बाय नॉट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी दोनों, बाइसेक्ट तो करेगा ही, बाइसेक्ट तो पैरेलोग्राम की कंडीशन है वो तो होगी। ठीक है, अभी मैं आपको बोलना बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप बताना ट्रू फॉल्स। अगर इन दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ अटैच कर दिया जाए देन मीन्स ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल देन इट इज स्क्वायर। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो भी इसके पास है, इसकी जो प्रॉपर्टी थी इसके पास है, सारी साइड्स इक्वल हैं, सारी एंगल इक्वल हैं, सारी डायगोनल इक्वल हैं और डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। कुछ बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन जैसे मैं तुमसे स्टेटमेंट पूछता हूं तो तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या कह रहा था। अगर मैं कहता हूं तो मैं सुनना ध्यान से, ऑल पैरेललोग्राम या ऐसा बोला जाए ऑल स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम बट नॉट ऑल पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर, इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू है। ठीक है, ऑल रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम एंड ऑल पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। ठीक है, जब भी आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो केस ट्रू है, अगर आप स्टेटमेंट में नॉट नहीं लगा रहे हो और नीचे से ऊपर जाएंगे तो केस ट्रू होगा बिना नॉट लगाए, और अगर आप बिना नॉट लगाए अरे नीचे आओगे तो केस फॉल्स होगा। मैंने कहा ऑल पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर बट एंड ऑल स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, ऑल पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर एंड ऑल स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, फॉल्स। इसमें फर्स्ट वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, हाँ ऑल रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम बट नॉट ऑल रोम्बस इज अ स्क्वायर, उधर देखो ऑल रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम बट नॉट ऑल रोम्बस इज अ स्क्वायर, ये ट्रू है क्योंकि सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं लेकिन सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं होते। ठीक है, हाँ ठीक है, फिर से सुनो, ऑल स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट नॉट ऑल पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, इट इज ट्रू, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, सारी प्रॉपर्टी रखते हैं रेक्टेंगल की लेकिन सारे पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होते। तो समझ में आ रही बात? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स नहीं आएंगे, स्टेटमेंट वाले आते हैं ना, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, इस तरह से। और इसके साथ साथ हमने प्रॉपर्टी इसीलिए लिखी है, डिस्टेंस फॉर्मूले पर क्वेश्चन आते हैं, तीन कोऑर्डिनेट दे देगा चौथा कोऑर्डिनेट पूछेगा। ठीक है, तो चौथे कोऑर्डिनेट को कैसे निकालें, तो इसका सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, इसका जो मिड पॉइंट होगा वही इसका मिड पॉइंट होगा, अरे 1:1, आपको पैरेललोग्राम दे दे, रोम्बस दे दे, ये दे दे, ये दे दे, कोई सा भी दे दे, तुमसे तीन कोऑर्डिनेट देके चौथा पूछेगा, तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट आएगा और इन दोनों का जो मिड पॉइंट आएगा सेम होगा, तो इससे मिड पॉइंट निकाल लेंगे और इससे सेक्शन फॉर्मूला लगा के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, अब लिख लें, मैंने कहा अगर बिना नॉट लगाए हम कोई भी स्टेटमेंट बनाएंगे नीचे से ऊपर, ऑल स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल और रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम
ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, ऑल रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, ये सारे ट्रू है, इसलिए ब्लू से बनाया, मेरे पास ग्रीन नहीं है इसलिए, ठीक है। और अगर आप ऊपर से नीचे नॉट लगाए बगैर आएंगे तो वो गलत है। ऑल रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, रॉन्ग है। ऑल रोम्बस इज अ स्क्वायर, रॉन्ग है। ऑल पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, गलत है। ऑल पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर, ये सब गलत है। नॉट लगा के आएंगे ट्रू है, हाँ जस्ट उल्टा ट्रू हो जाएगा। फिर नीचे से नॉट लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ऊपर से नॉट लगाने ट्रू हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई और नाम भी हो सकता है लेकिन कुछ नहीं दिया है तो जी आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्या डेफिनेशन है? इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। और व्हाट इज मीडियन? इट इज द लाइन जॉइनिंग द वर्टाइसेस, the vertex to the midpoint of opposite side. of a triangle, है ना? A, B and C. X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. ये ऐसा बन रहा है, दिस इज D, दो बना देता हूँ, है ना, दो की और तीन की सभी का वही रहेगा, एंड E, दिस इज G, ठीक है। दो में क्या समझ में आ जाएगा, दो काफ़ी है, ठीक है। तो एंड ऑल्सो एक और इसी में लिख लेना थर्ड पॉइंट, कि जी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, जैसे ए डी बोल दूं, ए डी इन रेशियो रेशियो 2:1 फ्रॉम vertex to this side of triangle. हाँ, G जो है median को 2:1 में divide करता है from the vertex to the side. ठीक है, मतलब ये 2:1 होता है, ठीक है। अब तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसके coordinate निकालेंगे, ये mid point है 1:1, तो ये हो गया x2 plus x3 by 2 एंड y2 प्लस y3 by 2, और फिर इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे 2:1 दिस इंटू दिस, तो g कितना आएगा, देखो 2 इंटू दिस, सो इट इज x2 प्लस x3 by 2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन m प्लस n, इट इज 3, 2 इंटू y2 प्लस y3 by 2 प्लस y1 अपॉन 3, तो g आ जाएगा क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है, इसको याद रखते हैं, अच्छा रहता है। पहले अपन एल्टीट्यूड्स की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट, बताना ट्रू है या नहीं। एल्टीट्यूड इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, क्या ये ट्रू है? परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड्स इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। साइड ले ले, साइड्स की जगह क्या गलती है? तो कौन सी लाइन बनानी चाहिए?
तो एल्टीट्यूड क्या होगा फिर? हाँ वर्टेक्स से तो मिड पॉइंट, वही तो तूने गलत बोला। तुझे कैसे पता मिड पॉइंट पे? हर ऐसा होगा क्या, कोई सा भी ट्रायंगल तू बनाएगा और उस पे वहां से परपेंडिकुलर डालेगा, मिड पॉइंट पे ही आएगा वो। कहने का कोई मतलब नहीं होता, मैथ्स मैथ्स होता है, सुधार नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कर सकते हैं बस। मैं भी गलतियां करता हूं अभी भी, ठीक है। एल्टीट्यूड्स का मतलब है इट इज अ लाइन पासेस थ्रू दी वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर टू दी साइड्स ऑफ दी ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे मिड पॉइंट का कोई केस नहीं है बच्चे, यही देख लेना। अपन ने ट्राइंगल बनाया, यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा, मिड पॉइंट कैसे होगी? मिड पॉइंट थोड़ी होगा। सबसे पहले तो और तो सेंटर तो बात की बात है, पहले एल्टीट्यूड देख लेते हैं। एल्टीट्यूड इज नथिंग बट दी लाइन परपेंडिकुलर टू दी साइड्स, टू दी साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड पासिस थ्रू दी ओपोजिट वर्टेक्स। हाँ, ऑर्थो सेंटर इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दी एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एच कैन बी इनसाइड आउटसाइड और ऑन दी ट्राइंगल डिपेंड दी ट्राइंगल इज एक्यूट ऑब्ट्यूस और राइट एंगल, ठीक है। और भी बहुत कुछ है इसमें लिखवाने का, ठीक है। खास बात यह है इसका कोई फॉर्मूला याद नहीं किया जाता। इसका फॉर्मूला जो है वो ऐसा कुछ आता है, x1 sin 2a अपोजिट एंगल का, x2 sin 2b, x3 sin 2c, कोई जरूरत नहीं है। है और तो सेंटर का कोऑर्डिनेट, कोई जरूरत नहीं है याद करने, कभी नहीं पूछा जाता। जब पूछा जाता है अगर और तो सेंटर, तो उसे अपन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वगैरह निकाल के बनाते हैं, ठीक है। तो इसे देखो, ए बी सी, ये यहां से अपन ने परपेंडिकुलर डाला, यहां से परपेंडिकुलर डाला वर्टेक्स से, और यहां से परपेंडिकुलर डाला। अगर इसे डी ई एफ बोल दें, दिस इज एच, ठीक है। अब कुछ और खास बात करते हैं। तो देखो, अगर मैं ऐसा बनाऊं, एक्यूट एंगल तो यही हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल तो यही हो गया, इसमें एच अंदर है। अब मैं ऑब्ट्यूज बनाऊं तो देखो क्या हो रहा होगा, और राइट एंगल बनाता हूं उसमें क्या हो रहा होगा। देखो क्या है ये, यहां से इस पे इसकी अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डाला, यहां से इसकी अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डाला, दोनों इंटरसेक्ट जहां कर रहे हैं वो एच है। दो एल्टीट्यूड का भी वही इंटरसेक्शन आएगा जो तीसरे का आएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर इसको ए बी सी बोलूं तो क्या होगा, देखो ए से बी सी पर परपेंडिकुलर डालना है, अब ऐसे तो डलेगा नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बी को बी सी को आगे बढ़ाऊंगा, फिर यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा। समझ आ रहा है, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये लाइन हो गई एक। तो फिर सी से किस पर डलेगा, ए बी पे, अब ऐसे तो डलेगा नहीं, तो इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, फिर यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा, तो ये दोनों कहां मिलेंगे, यहां पर। और बी से किस पर डलेगा, ए सी पे, बी से एसी पे डाल दो, दिस इज एच, एच बार बन रहा है, चमक रहा है। और राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, अब ए से बी सी पे यही है, सी से ए बी पे यही है, तो इनका इंटरसेक्शन यही है, ठीक है। तो अपन यहां पे देख देते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल
ऑर्थो सेंटर इज द वर्टेक्स कंटेनिंग द 90 डिग्री एंगल. ठीक है, एक दो तीन, तीन पॉइंट लिखवा दिए. चौथा पॉइंट, मतलब इसके कोऑर्डिनेट, इसका फॉर्मूला लिखना, लिखवाने के अलावा बाकी सब लिखवा दूंगा. क्या बी है? ठीक है, भाई ट्राइंगल ये था, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल था. ठीक है, तो मैंने ए से अपोजिट वर्टेक्स है बी सी, इसे परपेंडिकुलर डालना था. तो ये इधर होती तो परपेंडिकुलर डल जाता, तो मैंने इसको एक्सटेंड किया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दी, ये एल्टीट्यूड हो गया. ठीक है, फिर सी से किस पे करेंगे, ए बी पे. तो सी से पहले ए बी को आगे बढ़ाया और सी से ए बी पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये एल्टीट्यूड हो गया. अरे तो ऐसे कैसे डलेगा परपेंडिकुलर, ऐसे ही डलेगा, तो डलेगा ना इंटरसेक्शन. अच्छा ठीक है, अच्छा और देखो, और ज्ञान की बातें करते हैं. इनको कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर. ठीक है, एल्टीट्यूड के पैर है फुट ऑफ परपेंडिकुलर. दूसरे कंसेप्ट में होता है फॉर्मूला, नहीं थ्री डी में, स्ट्रेट लाइन में भी होता है, हो जाता है, स्ट्रेट लाइन में भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला, फिर उसमें कंडीशन आती है, कर सकते हैं, कर सकते हैं. If H is ortho center of triangle ABC, then C is ortho center of triangle ए बी एच. ठीक है, अगर एच जो है ए बी सी का ऑर्थो सेंटर है, तो हम क्या कह रहे हैं, इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर जो है वो सी है. सही है क्या? देखो तुम समझ सकते हो, जैसे हमें बी पे क्या डालना है, एल्टीट्यूड किस पे, बी के अपोजिट साइड ए एच है, तो एच को आगे बढ़ाया, इसको एल्टीट्यूड डाला, फिर हमें इससे डाल लिया, ए से डालेंगे किस पे, बी एच पे, तो बी एच को आगे बढ़ाया, इससे एल्टीट्यूड डाला, ये डाल गया, और एस से किस पे डालेंगे, ए बी पे, ये डाला, ये डाल गया. तो सी एस क्या, ऑर्थो सेंटर. तो जो भी ट्राइंगल बनता है उसका जो ऑर्थो सेंटर होता है, उसके एक ऑर्थो सेंटर को वर्टेक्स मान लो और कोई भी दो साइड ले लो, उनसे जो ट्राइंगल बनेगा उसका ऑर्थो सेंटर थर्ड साइड होती है, वर्टेक्स होती है. हाँ, मतलब अगर मैं कहूं बी एस सी, तो इसका ऑर्थो सेंटर ए होगा, ए एस सी, तो इसका ऑर्थो सेंटर भी हो जाएगा. ठीक है, हरिओम.
पीडल ट्राइंगल, पीडल ट्राइंगल होता है। क्या लिखा है? ट्राइंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द फुट ऑफ एल्टीट्यूड, फुट ऑफ एल्टीट्यूड को ज्वाइन करके वो ट्राइंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड पीडल ट्राइंगल, नाम है। अब इसका मतलब प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में देखेंगे सबसे आखिरी में, जब तुम एग्जाम देने जा रहे होगे तब। वैसे ये सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का पार्ट है जो यही एडवांस में है, अब है क्या नहीं पता नहीं, मैंने नाम बता दिया। ये कभी ऐसा नाम आ जाए तुम घबरा मत जाना, क्या होता है सुना हुआ सा होना चाहिए। अब तू चुपचाप रहे। द सेंटर ऑफ द सर्कल, द सेंटर ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू, द सेंटर ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड, वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। रिपीट कर देता हूं, द सेंटर ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। ठीक है, इसको ओ से दिखाते हैं। ओ अब देखो, ठीक है, एक सर्कल जो वर्टाइसेस से पास हो रहा है ट्राइंगल्स के। अब लेकिन इसमें क्या है, एक डेफिनेशन और बनती है, ठीक है, वो भी डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिखाई ना, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू द वर्टाइस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अब इसमें इसकी प्रॉपर्टी की वजह से एक और डेफिनेशन बनती है। एक कुछ लोग ये भी बोलते हैं, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल। हम यहां क्योंकि ये कॉर्ड है, कॉर्ड में परपेंडिकुलर डालेंगे इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, है ना। हाँ वो गलत था डेफिनेशन, वो इन सेंटर का है। देखो, ठीक है, होगा ना, क्योंकि तीनों क्या है, कॉर्ड है और सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है। तो अब हम इसे क्या बोल सकते हैं, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। एग्री ना भाई, ये जो है ये बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है। सो इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इनके इंटरसेक्शन को क्या बोल रहे हैं, सर्कम सेंटर बोल रहे हैं। ठीक है, तो सर्कम सेंटर की दो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन अपन ने पहले लिखी, ये सेकेंड डेफिनेशन है। ओ कैन बी लाइज इनसाइड आउटसाइड और ऑन द ट्राइंगल डिपेंड ऑन द ट्राइंगल इज एक्यूट ऑब्ट्यूस और राइट एंगल। मान लो ऑब्ट्यूस ट्राइंगल बना दूं मैं, ऐसा गंदा सा। तो अब अगर अपन ऐसे बनाएंगे भी तो ये ऐसा बनेगा ना, वर्टेक्स हो के जाएगा, तो इसका सेंटर कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। और अगर हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वर्टेक्स ऐसा बनेगा,
ठीक है। अच्छा समझना, ये डायमीटर होगी, प्रॉपर्टी है हमारे पास कि डायमीटर से जो सर्कम सर्कल के सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनता है दैट इज 90 डिग्री राइट एंगल होता है, पता है ये एट्थ क्लास में था। अच्छा ठीक है, तुमने नाइन्थ पढ़ा, एट्थ में है अब तो। कि अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप कहीं भी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाते हैं 90 डिग्री होता है, मतलब ये 90 ऐसे बना दूँ ऐसे बना दूँ सब 90 डिग्री बनेंगे। ठीक है क्या ए बी, नाइन्थ क्लास में तेरा कोई जनरल प्रमोशन नहीं था ठीक है ना, कोई कोविड नहीं था उस समय है। अरे तो ट्वेल्थ में है ना, तो नाइन्थ में नहीं है, टेंथ में मरेगा जनरल प्रमोशन तेरे को है। अच्छा अभी तो अच्छा किस्मत खराब है फिर तुम्हारी, ठीक है अभी पढ़ा रहा हूँ अभी पढ़ ले। ये डायमीटर हो गया, डायमीटर का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा सेंटर, तो ओ जो है वो क्या होता है मिड पॉइंट। तो यहाँ पे अगला पॉइंट लिख देते हैं कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस। और क्या, और देखो थोड़ा सा और सीखते हैं। साइन लॉ पढ़ा है, साइन लॉ ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन बी इक्वल टू के मान के क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं। हाँ स्मॉल ए, ठीक है अभी बताते हैं। नहीं नहीं इसकी प्रॉपर्टी है बतानी पड़ेगी, मैं नहीं बताऊं वो ठीक नहीं रहेगा, मैं बता दूं तू भूल जाए वो फिर भी चल जाएगा, क्योंकि एक एक भी अगर याद रख गया और उसका क्वेश्चन आ गया तो किसी से बनेगा। देखो फालतू बातें मत कर, नहीं कुछ नहीं लिखना है प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर भी यहीं पर बना देता हूँ, जैसे मान लो अपन ने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, ये ट्राइंगल रहा और बी सी ए ये अपना ओ था, तो ये रेडियस रहेगी ना, ये रेडियस होगी कैपिटल आर से दिखाते हैं इसकी रेडियस। ठीक है मैं फिलहाल इसको डॉटेड कर देता हूँ समझाने के लिए, ठीक है रेडियस सर्कल की रेडियस होगी ना कैपिटल आर। ठीक है अब ये एंगल ए है, तो ये प्रॉपर्टी कभी पढ़ी ट्राइंगल में कि कोई भी कॉर्ड सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनाती है उसका ट्वाइस एंगल यहां पे बनाती है, पढ़िए ये थीटा होता है तो ये टू थीटा होता है, तू याद कर ले। ठीक है तो ये अगर एंगल ए है तो ये पूरा एंगल क्या होगा टू ए, ठीक है और ये 2a है ये कॉन्ग्रुएंट है कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड RHS, RHS होती है या साइड एंगल साइड भी कर सकते हैं, ये दोनों साइड बराबर हैं, ये कॉमन साइड है और ये एंगल है, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी से
ये एंगल भी बराबर होगा किसके इसके, तो ये ए था, ये पूरा 2a, तो ये भी a, ये भी a, ठीक है। अब क्योंकि हमें इसके अपोजिट साइड को मैं a बोल रहा हूं, तो इसको a बाई टू बोल सकता हूं। एंगल ए के अपोजिट लेंथ स्मॉल a बोलते हैं, तो मिड पॉइंट है ना वो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो a बाई टू एंड a बाई टू। अब मैं उसमें इस ट्राइंगल में साइन a लगाता हूं, तो व्हाट इज साइन a, साइन a क्या होगा, a बाय टू बाय आर, ठीक है। इसको उधर ले लिया तो ये हो गया a बाय टू आर। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो a बाय साइन a इक्वल टू कितना आ गया, 2r, ठीक है। ये a के अपोजिट था, अगर यही केस b के अपोजिट बनाते, b के अपोजिट इन द सेंस अगर मैं ये इसको लेता तो ये पूरा b है, तो ये पूरा 2b होता, ये b होता, तो b के अपोजिट ये लेंथ क्या होती, b बाई टू, तो उसी उससे क्या आता फिर, b अपॉन साइन b आता, वो भी 2r आता। तो इन तीनों को ऐसे c का भी आएगा, तो इन तीनों को a बाय साइन है इक्वल टू b बाय साइन b, यही साइन लॉ है, साइन लॉ जो है वो इसी से आया है। वो जो k हम लिखते हैं वो बेसिकली डायमीटर होती है किसकी, सरकम सर्कल की, हाँ सरकम सेंटर वाले सर्कल को ही, इसी को सरकम सर्कल बोलते हैं, सरकम सर्कल, ट्राइंगल के अंदर के सर्कल का वो मिड पॉइंट, ट्राइंगल के सर्कल का, सर्कल का कब से मिड पॉइंट होने लगा, फिर वही नहीं नहीं सोच के बोल, सोच के बोल, ठीक है, वही सीखना हमें, सोच के बोलने वाला बात है। लिखो डेफिनेशन, लिखो बच्चों, डायग्राम आधे बनाएंगे। द सेंटर ऑफ द सर्कल, द सेंटर ऑफ द सर्कल टच द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, सेंटर ऑफ द सर्कल टच द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इंटरनली, टच द साइड ऑफ द ट्राइंगल इंटरनली, मतलब अगर मैं कोई ट्राइंगल बनाता हूं, और एक सर्कल है, अरे अच्छे से बनाया है, हाँ ठीक है, ठीक है, तूने 12th तो पास किया ना, वो तो इम्प्रूवमेंट नहीं था, है? हाँ तूने टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा ना, एओडी नहीं पढ़ा, टेंजेंट नॉर्मल थोड़ी ओमिट था, ठीक है ठीक है छोड़ो। तो जो इंटरनली टच कर रहा है साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन हो गई। एक प्रॉपर्टी से आएगी डेफिनेशन, कैसे आएगी ध्यान से सुने। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोई सर्कल है अगर, और अपन एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें, तो इसके इस पॉइंट को अगर मैं सेंटर को ज्वाइन करता हूं, तो ये एंगल बराबर होता है इस एंगल के, ठीक है, टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, बिल्कुल होती है, सही कह रहा है। तो B से अगर हम ज्वाइन करेंगे I को, तो ये एंगल बराबर होगा इसके, इट इज B बाई टू एंड B बाई टू। सिमिलरली C को अगर ज्वाइन करेंगे I से, तो ये एंगल बराबर होगा, इट इज C बाई टू, C बाई टू। एंड सिमिलरली A को ज्वाइन करेंगे, तो ये A बाई टू, A बाई टू। तो हम कह सकते हैं ये क्या हो गया, एंगल बाय सकता, ये भी एंगल बाय सकता, ये भी एंगल बाय सकता, सो इट इज इंटरसेक्शन ऑफ
दी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ आर ट्राइंगल. अब देखो इसके डायग्राम में इसकी वर्टाइसेस निकाले जाते हैं. कैसे निकाले जाते हैं वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हम एक प्रॉपर्टी और लिखते हैं. इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड the opposite side in the ratio of the length of remaining side. मतलब अगर हम ये डायग्राम बनाएं ए बी सी, ठीक है, मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर लिया, ये कहीं ना कहीं तो कट कर रहा होगा ना इसे, है ना भाई, केवल उस डायग्राम से तो निकलेगा नहीं. तो ये ए आई बन रहा था, ये यहाँ पर मान लो ये डी है, इसका एंगल बाइसेक्टर किसी दो का ले लो, ये हो गया आई, है ना, ये बी बाई टू हो गया, ठीक है, ये डी है, ये ई है. अब बोला ये जा रहा है कि कोई भी, ये बर्ड एंगल था, इसका जो एंगल बाइसेक्टर था, ये अपोजिट साइड को किस लेंथ के रेशियो में डिवाइड करेगा, रिमेनिंग साइड की लेंथ के रेशियो में. मतलब अगर मुझे वर्टेक्स दिया, मान लो एक्स वन कॉमा वाई वन, इट इज एक्स टू कॉमा वाई टू, एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, तो मैं ये लेंथ निकाल लूंगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, इसको सी नाम दे देता हूं, एंगल सी के अपोजिट है, ठीक है, इसको ए नाम दे देते हैं और इसको बी नाम दे देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला निकल जाएगा ना, ठीक है. तो प्रॉपर्टी ये है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो है वो अपोजिट साइड को रिमेनिंग साइड के रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब सी रेशियो बी में डिवाइड करता है, ठीक है. अब देखो शुरुआत करता हूं, आप लिख रहे हैं, लिख लो पहले. सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू, है ना, अपॉन सी प्लस बी, सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू अपॉन सी प्लस बी, ये डी के कोऑर्डिनेट आ गए. अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना, अरे आई निकालना है ना, ये पता है, ये पता है, अब रेशियो पता लग जाए तो आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो रेशियो के लिए हम फिर से सब लोग ध्यान दें, ठीक है, ये भी कमाल का कंसेप्ट है. इस ट्राइंगल को देखो, ये जो प्रॉपर्टी हमने लिखी अपोजिट साइड वाली, इस ट्राइंगल में ये जो ये वाला है, ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है इस ट्राइंगल का, है कि नहीं. ये जो है ये इंटर एंगल बाइसेक्टर है किसका, एडी का, ठीक है. तो एडी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, रिमेनिंग साइड की लेंथ के रेशियो में, ठीक है. तो सी रेशियो सी नहीं होगा, ये लेंथ सी नहीं है, ये तो रेशियो है, ठीक है. मतलब मैं कहूंगा ए आई बाय आई डी, ए आई बाय आई डी इक्वल टू होगा ए बी, मतलब सी बाय बी डी, सी बाय बी डी, ठीक है. अब बी डी की लेंथ चाहिए मुझे, तो कैसे निकालें, तो हम कहेंगे कि लेट बी डी इक्वल टू है सी टाइम्स ऑफ के, एंड डी सी इक्वल टू है बी टाइम्स ऑफ के,
अरे रेशियो होता था तो कुछ कॉमन का मल्टीप्लाई करते थे ना तुम, जैसे अपन बोलते थे, रुक जा, जैसे अपन बोलते थे कि फादर और सन की एज में 3:1 का रेशियो है, तो अपन मानते थे कि फादर की एज होगी 3x तो सन की होगी x, ऐसे ही करते थे। तो वही मैंने कर लिया है कि ये रेशियो जो है वो सी बाय के है, तो ये लेंथ सी के हो गई और ये बी के हो गई। अब इन दोनों का एडिशन, बी डी प्लस डी सी क्या है, बी सी इक्वल टू सी के प्लस बी के, और ये क्या थी, ये ए है, डिस्टेंस फॉर्मूले निकाल सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू हो गया के टाइम्स ऑफ सी प्लस बी, इससे क्या आ गया, के आ गया, ठीक है। इसका क्या यूज है, यहां पर रखेंगे सी अपॉन बी डी, व्हाट इज बी डी, इट इज सी के, सी सी कट गया तो 1/k, इसका उल्टा आ जाएगा, मतलब सी प्लस बी बाय ए। ये रेशियो किसका आ गया, इसका सी प्लस बी रेशियो ए। अब सेक्शन फॉर्मूला लाओ तो आई आ जाएगा, क्या आ रहा है देखो, सी प्लस बी इंटू इसके कोऑर्डिनेट एफ से सा, ठीक है, चमक रहा है, सी प्लस बी इंटू सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू अपॉन सी प्लस बी, चमक रहा है, दिस इंटू दिस इंटू एफ से सा और ए इंटू एक्स वन अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली सी प्लस बी टाइम्स ऑफ सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू अपॉन सी प्लस बी और ए वाई वन अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, जो बचा है वो आई है, आई क्या है, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी एंड ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें ऐसे याद मत करना, ये तो कोऑर्डिनेट याद रहते हैं, इसको ऐसे याद किया जाता है कि हमारे पास ट्राइंगल था, देख लो बच्चों, हमारे पास ट्राइंगल था ए बी सी, ये था एक्स वन वाई वन, ये था एक्स टू वाई टू और ये था एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है। इसके अपोजिट लेंथ ए थी, इसके अपोजिट हमने निकाली बी, इसके अपोजिट सी। तो यहाँ पर इसे ऐसे याद रखते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले पहले निकाल लो, ए एक्स वन अपोजिट चलता है, ये अपोजिट प्रोडक्ट होता है, ए एक्स वन बी एक्स टू सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ए वाई वन बी वाई टू सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, समझ रहा है, ठीक है, प्लीज लिख लें जो आपको लिखना हो। आज के लिए अपन थ्योरी इतनी रखें, और भी थ्योरी का छोटा सा पार्ट और रह गया, मतलब इन सब की कॉमन प्रॉपर्टी होती है कुछ, वो लिखेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ कुछ 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 का रिलेशन होता है, जैसे तुझे देखा राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर सेम नहीं है, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर जो है हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट हो जाता है और ऑर्थो सेंटर यहाँ पे 90 है, तो तुम्हें तीन वर्टेक्स दे के पूछ लेगा डिस्टेंस बिटवीन देम, तो पहले चेक करो कौन सा ट्राइंगल है, ठीक है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो डायरेक्ट निकल जाए। तो बड़ी ज़्यादा हो गया क्या, नहीं।